अस्सलाम वालेकुम। आज हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानेंगे कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स को उर्दू या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शेरों के झुंड को इंग्लिश में अ प्राइड ऑफ लाइंस कहते हैं। शेरों के झुंड को इंग्लिश में अ प्राइड ऑफ लाइंस कहते हैं। खवातीन के ग्रोह को इंग्लिश में अ बेबी ऑफ लेडीज कहते हैं। अ बेबी ऑफ लेडीज। घोड़ों के रेवड़ को इंग्लिश में अ स्टड ऑफ हॉर्सेस कहते हैं। अ स्टड ऑफ हॉर्सेस। शहद की मक्खियों के जत्था को इंग्लिश में अ स्वॉर्म ऑफ बीज कहते हैं। अ स्वॉर्म ऑफ बीज। चाबियों के गुच्छा को इंग्लिश में अ बंच ऑफ कीज कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज। सिपाहियों के दस्ता को इंग्लिश में अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स। गुलकारों के ग्रुप को इंग्लिश में अ कोयर ऑफ सिंगर्स कहते हैं। अ कोयर ऑफ सिंगर्स। भेड़ियों के होल को इंग्लिश में अ पैक ऑफ वॉल्व्स कहते हैं। अ पैक ऑफ वॉल्व्स। मवेशियों के रेवड़ को इंग्लिश में अ हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल। मछलियों के झुंड को इंग्लिश में अ शाउल ऑफ फिश कहते हैं। अ शाउल ऑफ फिश। मर्दों के ग्रोह को इंग्लिश में अ बॉडी ऑफ मैन कहते हैं। अ बॉडी ऑफ मैन। कपास की गांठ को इंग्लिश में अ बेल ऑफ कॉटन कहते हैं। अ बेल ऑफ कॉटन। गाड़ियों के बेड़े को इंग्लिश में अ लाइन ऑफ कार्स कहते हैं। अ लाइन ऑफ कार्स। हरन के रेवड़ को इंग्लिश में अ पार्सल ऑफ डियर कहते हैं। अ पार्सल ऑफ डियर। वेल के झुंड को इंग्लिश में अ कलोनी ऑफ वेल्स कहते हैं। अ कलोनी ऑफ वेल्स। तो ये थे आज के कलेक्टिव नाउंस हमने जाने। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स।